हेलो डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विल नो हाउ टू मेक लेटर आई इन कर्सिव राइटिंग आज के वीडियो में हम कैसीब राइटिंग में लेटर आई बनाना सीखेंगे दिस इज कैपिटल लेटर आई एंड दिस इज स्मॉल लेटर आई आई फार आइसक्रीम आई फार आयरन आई फार इंकबॉट आई फार इग्लू कैपिटल लेटर का आई थ्री लाइन को टच कराते हुए बनाया जाता है अपर लाइन सेकेंड लाइन थर्ड लाइन इन तीनों लाइनों को टच कराते हुए कैपिटल लेटर का आय बनाया जाता है और स्मॉल लेटर का आय टू लाइन को टच कराते हुए बीच के कॉलम में बनाया जाता है सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन को टच कराते हुए बीच के कॉलम में स्मॉल लेटर का आय बनाया जाता है फर्स्ट मेक कैपिटल लेटर आए पहले हम कैपिटल लेटर का आए बनाएंगे फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द डॉट टेक अ ट्विस्ट प्लस टू द अपल लाइन देन कम टू द थर्ड लाइन मेकिंग कर आपको स्टार्टिंग डॉट से लेटर बनाना स्टार्ट करना है फिर ऊपर की लाइन को टच करना है वापस थर्ड लाइन को टच करते हुए यहाँ पे कर्व लाइन ऐसे बनाना है ट्रेस एंड कॉपी अब यहाँ पे आपको लेटर आई को ट्रेस करना है और कॉपी करना है तो चलिए इसको हम ट्रेस करते हैं फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द डॉट टच अपर लाइन अपल लाइन को टच करेंगे देन कम टू थर्ड लाइन मेकिंग कर्व यहाँ स्टार्टिंग से स्टार्ट करना बनाना आप लोग लेटर फिर ऊपर की लाइन को टच करना इस तरह से फिर थर्ड लाइन को टच करना ऐसे आप सभी को इसी तरह से लेटर आय को ट्रेस करना अपनी बुक में यहाँ से इसको ऊपर की लाइन टच करेंगे फिर थर्ड लाइन को टच करेंगे नाउ वी विल मेक स्मॉल लेटर आई अब स्मॉल लेटर का आय बनाएंगे यहाँ स्टार्टिंग डॉट से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर एंड करेंगे स्टार्ट फ्रॉम द डॉट टच दास लाइन देन रिटर्न टू दर्ड लाइन मेकिंग कर एंड पुट आ पॉइंट एब लाइक दिस ट्रेस एंड कॉपी अब लेटर को ट्रेस करके यहाँ पे कॉपी करेंगे स्टार्टिंग डॉट से स्टार्ट करना ट्रेस करना स्टार्ट फ्रॉम द डॉट लाइन देन रिटर्न टू थर्ड लाइन मेकिंग कर लाइक दिस एंड पुट आ पॉइंट एब लाइक दिस सेकेंड लाइन से स्टार्ट कर, करके थर्ड लाइन से स्टार्ट करके सेकेंड लाइन को टच करना है फिर वापस थर्ड लाइन को टच करना है और आपको यहाँ पर पॉइंट रखना है इस तरह से स्टार्ट फ्रॉम द डॉट टच द सेकेंड लाइन देन रिटर्न टू द थर्ड लाइन वेकिंग कर आई एम पुट आ पॉइंट एब लाइट डिस्क इस तरह से आप सभी को स्मॉल लेटर का आय कॉपी करना है सेकेंड लाइन थर्ड लाइन से स्टार्ट करके सेकेंड लाइन को टच करेंगे फिर वापस थर्ड लाइन को टच करेंगे फिर ऊपर यहाँ पे प्वाइंट रखेंगे अब यहाँ पर आपको इसको कॉपी करना है यहाँ से स्टार्ट करना स्टार्टिंग डॉट से इसको फिर सेकेंड लाइन को टच करना है फिर वापस थर्ड लाइन को टच करना है फिर यहाँ पे ऊपर एक पॉइंट रखना है ओके स्टूडेंट्स यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क इन योर बुक एंड सेंड द फोटो ऑफ योर वर्क इन व्हाट्सएप ग्रुप